आज मैं एक उस संत के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने अपनी बुद्धिमता एवं कुशलता से कलीसिया को मजबूत करने का कार्य किया। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 12 मार्च को संपूर्ण कलीसिया संत थियोफेंस का पर्व मनाती है। वे राजा कॉन्स्टेंटाइन के पुत्र थे और उनके संरक्षण में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनके पिता की मृत्यु के बाद सारा कार्यभार उनके कंधों पर आ गया और उन्होंने बखूबी अपने पिता के कर कमलों पर चलते हुए प्रभु के कार्यों को किया एवं विशेष रूप से ख्रिस्तियों की मदद करते हुए अपने जीवन को प्रभु के मार्ग में लगाते हुए लोगों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। संत थियोफेंस की शादी बेंजेंटाइन पेट्रिशन की बेटी से हुई थी। उनकी शादी के बाद भी उन्होंने निश्चय किया कि वे पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे, जिसके चलते उनकी पत्नी ने धर्म बहन बनने का निर्णय किया और उन्होंने अपने पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु के कार्यों को निरंतर करने का एवं लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शन बने रहने का कार्य किया। 787 में संत थियोफेंस को द्वितीय महासभा निंसिया में आमंत्रित किया गया ताकि वे अपने प्रस्ताव को लोगों के सामने रखें। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पवित्र तस्वीरों को लोगों के बीच में लाया जाए तथा उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना की जाए। इसका विरोध करते हुए राजा अर्मन्यन ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, जिसके चलते संत थियोफेंस को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विशेष रूप से राजा अर्मन्यन को समझाने की बहुत अधिक कोशिश की कि इन पवित्र तस्वीरों के जरिए वे लोगों को प्रभु के और नज़दीक ला सकते हैं, परंतु राजा अर्मन्यन ने उन्हें बंदी बना लिया एवं एक द्वीप में ले जाकर उन्हें वहां पर रखा गया। 12 मार्च 817 में उनका निधन हुआ था। ग्रीक एवं लातिनी गिरजाघरों में उन्हें आदर दिया जाता है। आइए क्रिसमस प्रिय भाइयों बहनों, हम इस महान संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम विशेष रूप से लोगों के कल्याण के लिए, उनके प्रभु में प्रेम के लिए कार्य करें, जिससे वह प्रभु के और नज़दीक आ सके और प्रभु प्रेम को लोगों तक बांट सके।